The melodies of this evening's tale. A figure of eminence graces our veil. With honor and pride, our hearts take flight. We are indeed honored to have Mr. Chetan Bhagat amongst us as the chief guest for the evening. Mr. Chetan Bhagat is an eminent Indian author, screenplay writer, columnist, and a motivational speaker. He was listed in Time magazine's list of world's 100 most influential people as well as in the Forbes India Celebrity 100 list. He has been the recipient of CNN, IBN, Indian of the Year, and Golden Book Awards for his book 400 Days. Four of his novels have been adapted into films. His writing style, often simple and conversational, combined with themes of love, Friendship, societal norms, and aspirations resonates with a wide of readership. Moreover, Mr. Bhagat is also known for his columns and contribution to national dailies. He remains a prominent figure in Indian literature, recognized for popularizing reading among the youth and for his impact on the Indian literary landscape. So, is an eloquent speaker, proficient in both Hindi and English.

मेरे को आपसे एक रिक्वेस्ट है आप जरा मेरे साथ चलो मेरे ससुराल और वहां जाके मेरी सास को एग्जैक्ट उन्हें वैल्यू है नहीं इतनी अपने दमाद की जितना मुझे लगा अगर आपको मैं ले जाऊं और आप बोलो कि देखिए आपका दामाद ये है इन्होंने ये उपलब्धि की है जैसा पेन है जो पेन से किया जा सकता है इन्होंने करा है मतलब तो फिर उनको शायद पता वैल्यू आए बट थैंक यू वैसे मैं पेन से नहीं लिखता मैं लैपटॉप पे ही लिखता हूँ पर मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे थे और पहली बड़े दिनों बाद ऐसा हुआ है किसी ने मुझे यंगेस्ट इंट्रोड्यूस कराया कि यंगेस्ट चीफ गेस्ट कोई बात नहीं ज़्यादा दूर नहीं है सर हम भी सीनियर सिटीजन से हम भी वेट करें थोड़े डिस्काउंट वगैरह बट आई एम फोर्टी नाइन सो मुझे नहीं पता था कि चीफ गेस्ट यहाँ पे सिक्सटी प्लस आते हैं तो अभी तो नन्हे मुन्ने मतलब मैं तो बच्चा हूँ एक्चुअली अक्कल में थोड़ा कच्चा ही हूँ अभी भी अभी भी आई डोंट नो चीफ गेस्ट बनने की क्षमता मेरे में है या नहीं है पर आपने बना दिया तो कोशिश करूँगा पर एनुअल डे लाइक ऑब्वियसली काफ़ी इवेंट्स में करता हूँ पर एनुअल डे जिसमें मैं कल्चरल प्रोग्राम भी देखूँ ऑर्केस्ट्रा भी देखूँ बड़े uh, दिनों बाद किया मैंने और जब भी मैं देखता हूँ पता नहीं क्या होता है नेचुरली अपना स्कूल याद आता है तुम्हारे स्कूल का एनुअल डे हुआ करता था इतना बड़ा तो नहीं होता था सर इतना ग्रैंड तो नहीं था मैं था आर्मी पब्लिक स्कूल, uh, uh, स्कूल इन डेली माय फादर वाज इन द आर्मी आर्मी पब्लिक स्कूल इन डेली तो हमारा भी एनुअल डे होता था एंड एज अ चाइल्ड इतना कोई मैं टैलेंटेड था नहीं किसी चीज़ में एनुअल डे की पर्टिकुलर में और मुझे याद है बस ये होता था किसी चीज़ में पार्ट लेने को मिल जाए नहीं तो क्या कर रहे हो एनुअल डे पे भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे हम तो देख मतलब तो किसी चीज़ में पार्ट मिल जाए और ऑर्केस्ट्रा में मेरा बहुत मन होता था उसका रीजन मेरे को समझ नहीं आ रहा आपको बताऊं कि ना बताऊं पर मेरा ऑर्केस्ट्रा में पार्ट लेने का बहुत मन था और मैं इतना अच्छा बजाता नहीं था तो किसी साल हो जाता था किसी साल नहीं हो जाता था और मेरे को कहते थे कि अगर हो भी तुम तो फोर्थ थ्रो में बैठोगे और ज़्यादा जोर जोर की मत बजाना कि तुम्हारे और अब मैं आपको बता देता हूँ तो मैं क्यों लेना चाहता उसमें एक बहुत ही क्यूट लड़की मेरी क्लास की थी तो मैंने कहा मुझे ऑर्केस्ट्रा में होऊंगा तो कम से कम इसके पास रहूंगा शायद मुझे देख लेगी पर नहीं देखा सर और मैं बता रहा हूँ कि तीन चार जो एनुअल डेज हुए सर एक दो बार मेरा हो गया बैन जो एक इंस्ट्रूमेंट होता था वो बजाना होता था और मैं गलत भी और टीचर को ना मैं बड़ा क्यूट लगता था तो उसको भी बड़ा बुरा लगता मेरा मेरा फेस ऐसे गिर जाता था जब मेरे को कहती थी नहीं तुम्हारे से नहीं होगा भाई तो वो कहती थी ठीक है तुम बैठ जाओ और हिलाते रहना पर ऐसे बजाना मत <laughs> या बहुत ही हल्का बजाना ऐसे एक जो एक मुखड़ा मतलब तो जो तुमने रट्टा लगा के सारे गामा का जो थोड़ा सा पीस है वो बजा देना बट ऐसे मत करना नहीं तो सब सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंथुजियाजम नहीं दिखाना बस आराम से बैठो तो उसके बाद अब आज मैं चीफ गेस्ट हूं तो थोड़ा तो फ्रॉड लगता है कि ये क्या हो गया पर कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें एक सीख भी है कई बार हम जिंदगी में सोचते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे हमें खुद नहीं पता होता हमारी क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं मैं बस उस क्यूट लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना जीवन जी जा रहा था और मुझे नहीं पता था मैं क्या क्या कर सकता हूँ तो जो आज यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बजाया है पहली बात बहुत ही अच्छा बजाया आई मस्ट से बिग ग्राउंड ऑफ अप ऐसे लग रहा था कि कोई कॉन्सर्ट देखने आए हैं आप एक्चुअली में टिकट्स भी लगा सकते हैं इसकी मैं तो आइडिया दे रहा हूँ पेरेंट्स के लिए फ्री होगा सर आप फीस देते हैं <laughs> uh, लेकिन यू नो इट वाज सो अमेजिंग एंड आई एम रियली इंजॉइंग माई सेल्फ और ऐसे लगता है कि इतना कुछ हो गया पता नहीं मुझे ही क्यों चुना गया दुनिया में नॉट जस्ट आज की ऐसे चीफ गेस्ट बुलाने के लिए और चीफ गेस्ट अच्छा जॉब है बुढे होते जाओ चीफ गेस्ट बनते जाओ है ना सर ठीक है भाई चीफ गेस्ट है ठीक है मैं तो नहीं बिजा सकता वो तबला पर मैं मैं चीफ गेस्ट हूँ मेरे लिए रहा है जिंदगी अजीब चीज़ है और यहाँ बहुत बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं तो मुझे लगा कि कोई ऐसी बातें बता के जाऊं जो आपके काम आए नहीं तो क्या फायदा आने का है ना नहीं तो क्या फायदा मेरा मेन जॉब तो ये अभी तक है नहीं हो सकता है एक दिन ऐसा है सिर्फ चीफ गेस्ट ये आपके चीफ गेस्ट है और इनका प्रोफेशन है चीफ गेस्ट होना ही इज चीफ गेस्ट बस ये चीफ गेस्ट ही आते है। लेकिन अभी तक तो मैं लिख रहा हूं अभी तक तो बहुत चीजें कर रहा हूं तो अगर मैं यहां आता हूं तो मज़ा तभी आएगा कोई इम्पैक्ट छोड़ के जाओ कोई बात आपको आई टेल यू समथिंग जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ बदले तो मैंने मोर देन सेवन हंड्रेड इवेंट्स किए तो मैंने इस पर पूरा सोचा कि कैसे करना है मैंने रियलाइज किया कि अकेले मैं ये नहीं कर सकता ये टू स्टेप प्रोसेस है सर ये जो शादी के दुले वाली लाइट है ना मेरे मुंह पे इतनी मत मारो मेरे को एकदम नहीं शादी याद आ जाती है हाँ अब मैं आप लोगों को देख सकता हूँ नहीं तो ऐसे ना दूल्हे जो आप सब लोग काफ़ी दूल्हे बने होंगे या दुल्हन भी बने होंगे तो मुंह पे वीडियो वाला लाइट मारता है मेरे को अपनी शादी में सिर्फ वीडियो की लाइट याद है मुझे नहीं पता कौन मेहमान आया किसके पाँव छूए सबके पाँव छूते रह रहे हूँ और आँख में कैसे लाइट है बस तो इसलिए ऐसे वो थोड़ी ज़्यादा हो रही थी इट्स ओके okay. कितने वीडियो बनाओगे सर आज देख लो जो देखना है कौन देखेगा बाद में तो ये टू स्टेप प्रोसेस है टू स्टेप प्रोसेस ये है कि मैं आज आपको कुछ बातें बताऊँगा जो मैंने अपने 50 साल ऑलमोस्ट चलो कर देते हैं राउंड अप के जीवन में सीखिए अब सर को लगता है कि ज़्यादा छोटा ही हूं मैं पर इतना छोटा नहीं होता पचास तो पचास साल की लर्निंग्स को मैंने एक टॉक में डालने की कोशिश किया वो मैं कर दूंगा पार्ट टू है आपको इस पर कोई एक्शन लेना है अपनी जिंदगी में कुछ बदलना है कल से अपनी लाइफ में एक्चुअली like बदलना है और परमानेंटली बदलना है क्योंकि वो होगा ना तब ये टॉक बनेगा मोटिवेशन टॉक जो भी आप इंस्पायरिंग टॉक तो नहीं तो ये भी एक मनोरंजन का कंटेंट का एक पीस बन के रह जाएगा आए देखा मजे आ गए जी ओहो फिर तो एनिमल पिक्चर ही दिखा दो एक ही बात है वो नहीं ना हम करने आए चीफ गेस्ट है सर हम प्रोफेशनल चीफ गेस्ट की तरफ बढ़ते हुए तो ये आपको प्रॉमिस करना है। ठीक है मैं अपने दिल से आपको अपनी जिंदगी की पूरी लर्निंग्स बता दूंगा यहाँ पे ठीक है पर आपको प्रॉमिस करना है कि आप एक्शन लोगे ओके ये इंदौर वाला ओके okay नहीं है ओके ओके यस ठीक है कुछ बदलना यार ठीक है ये पीपीटी मैंने एक भेजी थी लग सकती है वहां पे स्क्रीन पे ज़्यादा कुछ ज्ञान नहीं है उसमें थोड़ा थोड़ा होगा अगर आप दिखा दें थोड़ी देर के लिए लैपटॉप वाले भैया आया कुछ इलेवन रूल्स फॉर लाइफ अगर आप मुझे दस साल पह, साल पहले बुलाते ना वैसे तो आप नहीं बुलाते क्योंकि सिक्सटी प्लस है पर दस साल पहले भी जब मेरे को इवेंट्स पे बुलाते थे ना तो मैं सिर्फ अपनी बातें करता था मैं कितना ग्रेट हूँ बेसिकली मैं ये बताता था लोगों को मैं कितना ग्रेट हूँ देखो सर थ्री डेट्स आ गई हाँ हाँ टू स्टेट्स आ गई हो बस ज्ञान अपना ही बोले जा रहे हो बट अब वो नहीं है मैंने कहा ना अभी भी अक्ल आ रही है मेरे में पर अभी भी पूरी नहीं आई है लेकिन आई थिंक दस साल से कहीं ज़्यादा आ गया उससे कोई दैट डजेंट मैटर कर ली मैंने अपनी ज़िंदगी जी ली मेरा एम है कि आप लोगों को कुछ देख के जाऊँ तो उसके लिए मैंने बनाया एलेवन रूल्स ऑफ लाइफ मैंने बहुत चीज़ें की हैं लाइफ में उनकी बातें मैं कर सकता हूँ थ्री इडियट्स की बुक्स की कॉलम्स की टी वी प्रोग्राम्स यूट्यूब वगैरह सब कर की लेकिन एक तरह से जो आज मैं बोलूँगा ये करने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा है ये करने में मुझे पचास साल लगे हैं पूरी जिंदगी जीने के ये मैं ग्यारह रूल आपको एक एक करके बताऊंगा आप बस सुनो और समझने की कोशिश करना नोट्स मत लेना बच्चों को मैं बता रहा हूँ जो नोट्स लेने वाले बच्चे होते हैं ना जो क्लास में जो भी टीचर बोला नोट्स ले रहे हैं नोट्स नहीं लेने समझना है लास्ट में मैं ग्यारह रूल्स आपको एक स्लाइड पे दिखा दूंगा एक फोटो खींच लेना अगर आपको कुछ नोट्स घर लेके जाने हैं तो ठीक है बट अदरवाइज जस्ट लिसन टू मी वेन आई ट्राई एंड टेल यू ठीक है तो और जो आप मैम जो प्रेजेंटेशन चला रहे हो आप बीच बीच में रूल दिखा देना पर उन्होंने कहा आपकी फोटो भी दिखानी है सर स्क्रीन पे तो बीच में वो भी दिखा देना जैसे शादी की रस्में दिखाते हैं ना आजकल स्क्रीन पे तो मेरा दिखाना अभी सेराबंदी हो रही है अभी ओके लेट्स गो नेक्स्ट जब मैं नेक्स्ट बोलू आपको नेक्स्ट करना है हाँ नंबर वन नंबर वन रूल ऑफ लाइफ है नेवर इग्नोर योर फिटनेस अच्छा ये नहीं कि ये जो सारे रूल है मेरे को बचपन से पता थे मेरे फंडे क्लियर थे ऐसा कुछ नहीं है इट्स नॉट ट्रू नेवर इग्नोर योर फिटनेस जब मैं बहेती सर से फ़ोन पे बात कर रहा था तो बहती सर ने अपनी अपनी, अपनी अचीवमेंट्स नहीं बताई और अपनी लाइफ नहीं बताई और कैसे कितने किलोमीटर चलते हो सर आप रोज 18 किलोमीटर्स अ डे एंड यू आर सेवेंटी 75 है लगते कम है बट एट एट सेवेंटी फाइव इज वॉक एटीन किलोमीटर कहां जा रहे हैं मुझे नहीं पता पर जाते हैं कहीं नहीं ट्रेडमिल पे भी करते हैं कहीं भी करते हैं अपने स्टेप्स करते हैं यू नो चाहे आप कुछ भी बनो इंजीनियर बनो राइटर बनो बिजनेसमैन बनो आई डोंट नो वट ये नहीं इग्नोर करना क्योंकि जिंदगी का मजा तभी है जब हेल्थ है हेल्थ नहीं है तो क्या फायदा है ठीक है अलमारियां हो नोटों की टीवी देख रहा हूँ कई लोगों के पास है इंडिया में देख रहे हो माई गॉड वो कह रहे हैं कि मशीन ही नहीं हमारे पास गिनने के लिए <laughs> anyway, ये भी एक लाइफ हो सकती है कितने हैं सर कैसे गिने तोल लेते हैं ओके आई थिंक तोल लेने चाहिए फटाफट हो जाएगा बट एनी anyway, पर क्या फ़ायदा इतने पैसे का अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो क्या फ़ायदा राइट एंड आई डेंट नो दिस ये गलती मैंने किया और अपने दिमाग में बैठा लिया कि हम तो खाने के बिना रह नहीं सकते हम तो पंजाबी हैं हम तो खाने के बिना रह नहीं सकते हम तो इंदौर से हैं हमें तो चाट खानी है कभी कभी ठीक है लेकिन संडे है तो खानी है क्या नाम है बाजार का यहां पे मुझे सबको पता है वो सबको पता है जिम का एड्रेस नहीं बताओगा यही है सर लाइफ ये नहीं कर, फिटनेस नहीं इग्नोर करनी आज तक कोई भी फार्मा कंपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए कोई दवाई ऐसा चाहिए नहीं है कि इससे जिंदगी बढ़ जाएगी ऐसी कोई दवाई नहीं है और अगर है भी कोई दवाइयां जिससे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज जितनी इफेक्टिव कोई दवाई नहीं आई है जो एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी में साल डालती है एक है पतले होना है फिगर लगाना है वो सब अच्छी बात है लेकिन एक्सरसाइज किसी भी दवाई किस जो मेन बीमारियां लाइफ़ की चार पांच बीमारियां होती हैं जिससे लोग सबसे ज़्यादा मरते हैं लाइफ में हार्ट डिज़ीज़ डायबिटीज़ छोटे बच्चे जो यहाँ पे बैठे होंगे कहेंगे क्या बातें कर रहे हैं बेटे तुमने भी बड़े होना है एक दिन पर क्योंकि पेरेंट्स भी यहाँ तो थोड़ा मैं उस बारे में बता रहा हूँ हार्ट डिजीज डायबिटीज हाइपर टेंशन ब्रेन स्ट्रोक जिस हाइपर टेंशन से होता है हाई ब्लड प्रेशर से होता है एल्जाइमर्स कैंसर एंड बिलीव इट अट वेन यू गेट ओल्ड इट इज ऑल्सो फॉल्स अगर आप गिर जाते हो ओल्ड एज में देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर एंड अल्टीमेटली इट ऑफन लीड्स टू मोर्टेलिटी और डेथ इन सबका तोड़ इन सबकी अलग अलग दवाइयाँ हैं शुगर की अलग दवाई आती है मेटफॉर्मिन हार्ट की अपने स्टैटेंस आते हैं बहुत सारी दवाइयाँ हैं उनकी सर्टन इफेक्टिवनेस है साइड इफेक्ट्स भी हैं लेकिन किसी की भी एक्सरसाइज जितनी इफेक्टिवनेस नहीं है दिस इज साइंस दिस इज नॉट जस्ट मेरा ओपिनियन है फोर टू फाइव टाइम्स इफेक्टिवनेस एक एक्सरसाइज रूटीन की है आपको अगर जीना है अच्छी लाइफ जीनी है रूल्स फॉर लाइफ है ना रूल्स फॉर डेथ तो नहीं है तो लाइफ अच्छी जीनी है तो ये नहीं छोड़ना है जितनी भी तरक्की हो जाए जितना भी धंधा बढ़ रहा हो जितनी भी पिक्चरें बन रही हो जितनी भी बुक लॉन्चेस हो जितने भी चीफ डेस्क के इनविटेशन हो ये नहीं छोड़ना है और मैंने छोड़ा है और मैंने अपनी हेल्थ बहुत खराब करी है उसके बाद से मैंने अब रिकवरी स्टार्ट किया अब मैं नहीं छोड़ता आज सुबह मैं भी भाग के आया हूं सर लास्ट नाइट नहीं डे बिफोर यस्टरडे मॉर्निंग आई हैड अ फंक्शन इन बैंगलोर then I had to fly to Bombay and then Bombay to Dubai because I had function in Dubai, फिर Dubai to Delhi, few hours stop in Delhi था इंदौर आने से पहले उस stop में मैंने अपनी running complete की और फिर मैं आया because you have to do it, ये नहीं भूलना और बहुत से लोग इसमें थोड़ा optional रखते हैं मामला वो नहीं करना चाहे कुछ हो जाए life में ये नहीं छोड़ना जितने भी जितने भी आप दुनिया के important काम कर रहे हो ये जरूरी है नेक्स्ट सेकंड मास्टर योर इमोशंस इवन टू द स्टूडेंट्स आई एम सेइंग ह्यूमन बींग्स इमोशनल क्रिएचर है इमोशन पे दुनिया चलती है इमोशन पे इंसानियत चलती है इमोशन बहुत बढ़िया चीज है इमोशन ना हो तो हम रोबोट बन के रह जाएंगे चैट जीपीटी बन के रह जाएंगे आज की डेट में कंप्यूटर और इंसान में यही फर्क है कि हम में इमोशन है इमोशन दैट वे इज अ गुड थिंग लेकिन दुनिया में सबसे से, सबसे बड़ी गड़बड़े भी इमोशन की वजह से ही हुई हैं पंजाबी में एक वर्ड होता है स्यापे विच इज सेल्फ एक्सेप्लेनेटरी सारी दुनिया के कलेश सारी दुनिया के ड्रामे इमोशन से होते हैं सबसे बड़ी गलतियां इंसान जिंदगी में इमोशन पे करता है इमोशन में ही आदमी मरता है औरत भी मतलब वट ह्यूमन बींग्स नीड इमोशंस बट इफ इमोशंस आर कंट्रोलिंग यू देन इट्स डिजास्टर लाइफ विल बी डिजास्टर जो टेररिस्ट भी बनता है वो एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ इमोशन है कि मैं सुइसाइड बॉम्बर बन जाता हूँ क्योंकि मैं कुछ बड़ा ग्रेड करने जा रहा हूँ लॉजिकल ब्रेन तो उसका नहीं चल रहा ना उसका ब्रेन ये कह रहा है कि ये कर ले ये नहीं पता कि दस मिनट में तू तो खत्म हो जाएगा कल से दुनिया कोई को फर्क नहीं पड़ेगा तू जो भी करा है और तू लोगों को दुख देके जाएगा बट इट्स एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ इमोशंस वेयर दे कैन लीड यू बट एट अ मच स्मॉलर लेवल इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अस एवरी डे आपको मैं बोलूँ जिम जाना है ये जिम का रास्ता है और ये गुलाब जामुन की प्लेट है आपका इमोशनल जो ब्रेन है आपके ब्रेन में दो ब्रेन है एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि दो ब्रेन है क्योंकि आप सबको पता है कि एक्सरसाइज अच्छी चीज़ है डाइट अच्छी चीज है गुलाब जामुन ज़्यादा नहीं खाने चाहिए ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात कह रहा हूं लेकिन वही इंसान जिसको पता है वही गुलाब जामुन सामने आता है तो रुक नहीं पाता क्यों क्योंकि आपका इमोशनल ब्रेन ये नहीं देखता कि लॉन्ग टर्म क्या अच्छा है उसको उसी वक्त मजे चाहिए अब भी के अभी चाहिए मजे और जो अभी के अभी मजे गुलाब जामुन देता है वो जिम नहीं देता सर स्पेशली इंदौर के गुलाब जामुन दे आर टू गुड बट दैट्स द प्रॉब्लम इट्स सो गुड किट मेक्स यू फॉरगेट दैट लॉन्ग टर्म इट इज बैड राइट दिस इज वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू ऐसे बच्चे हैं इंस्टाग्राम रील्स ओ हो क्या मजे आ रहे हैं रील्स देखने में एक के बाद एक देखे जा रहे हो यू नो एक्टर छुट्टियों पे जा रहे हैं एयरपोर्ट लुक पपीज रेस्टोरेंट्स पार्टियाँ कुछ भी चल रहे उसमें आपका दिमाग उधर है और फिजिक्स कौन पढ़ेगा फिर क्या करें मैम फिजिक्स की टीचर भी हाथ धो क्या करूं मैं कैसे पढ़ाऊं इन्हें पुलिस मैं चीजें बोली कैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊं यहां तो अनन्या पार्टी की बर्थडे पार्टी मिस हो जाएगी है ना क्या हो रहा है आपका इमोशनल ब्रेन कह रहा है पढ़ाई छोड़ यार फोन देख बट लॉन्ग टर्म क्या होगा जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा जो इंस्टाग्राम देखेगा वो ख़त्म हो जाएगा इमोशंस से दुनिया ख़राब होती है इमोशन से लोग रिश्ते खराब करते हैं इमोशन से लोग गुस्सा करते हैं ये इमोशंस में मास्टरी जरूरी है अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है ये नहीं कि सिर्फ मेहनत करो टॉपर बनो उससे हो जाएगा यू के नॉट लेट योर इमोशंस कंट्रोल यू छोड़ यार कौन भागे इतनी ठंड है दिल्ली में तीन घंटे में, में मेरी फ्लाइट है दिस वॉज द इमोशन इन माई हेड बैंगलोर में फंक्शन करके आया है दुबई में करके आया है तू सोया नहीं है नहीं भागेगा एक दिन तो क्या हो जाएगा इमोशन लॉजिकल ब्रेन कमिटमेंट की है भागना है तो भागना है भाग क्या हो देन आई गॉट अप बिकॉज आई डिंट ऐसा नहीं है कि इमोशन ने कोशिश नहीं करी ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग बने होते हैं इट इज जस्ट उसको कंट्रोल में लाना होता है दैट्स इट यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस नंबर थ्री नेक्स्ट पुट योर सेल्फ फर्स्ट पुट योर सेल्फ फर्स्ट अपने आप को ज़िंदगी में आगे रखो ये कॉन्ट्रोवर्शियल रूल है स्पेशली इंडियंस में क्योंकि हम लोग पारिवारिक लोग हैं हम लोग सामाजिक लोग हैं हम लोग कम्यूनिटी वाले लोग हैं बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है लोगों की हमारी लाइफ में हम खुद तो अच्छा बनना चाहते हैं लाइफ में लेकिन हम अच्छे पापा भी बनना चाहते हैं हम अच्छी मम्मी भी बनना चाहते हैं हम अच्छे बेटे भी बनना चाहते हैं हम अच्छी बहन भी बनना चाहते हैं हम अच्छे भाई भी बनना चाहते हैं हम अच्छे बॉस बनना चाहते हैं हम अच्छे एम्प्लॉ बनना चाहते हैं क्या बनना चाहते हैं मतलब और लोग हमें अच्छे से देखें और लोग हमें बोले हाँ ये अच्छा है और लोगों का अप्रूवल हमें चाहिए उस चक्कर में क्या होता है जो हमें बनना है जो हमें बेटर बनना है लाइफ में जो हमें इंप्रूव करना है वो हम पीछे छोड़ देते हैं मैं बैंक में काम करता हूँ मेरा काम है अपनी वाइफ को अपने बच्चों को प्रोवाइड करना अच्छा लाइफ देना उनका स्कूल करना ये वो करना ये मेरे को करना है बट मेरा मन बुक लिखने का भी है वो कब लिखूंगा अब अगर मैं सोचूँ नहीं, नहीं 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 पहले अपना यू नो यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू प्रोवाइड देन ये क्या डिस्ट्रैक्शन लेके बैठ गए हो देन आई हैव नॉट पुट माई सेल्फ फर्स्ट एंड देन मैंने कभी बुक ना लिखी होती और आज मैं यहाँ ना बैठा होता या खड़ा होता आपके सामने राइट, सेम फॉर यू आपके सपने होंगे आपके डिजायर्स होंगे आप जिंदगी में कुछ करना चाहते होंगे, लेकिन आप बोलोगे हाय मैं कैसे करूं परिवार वाले क्या सोचेंगे पड़ोसी क्या सोचेंगे दोस्त क्या सोचेंगे रिश्तेदार क्या सोचेंगे बुआ जी क्या सोचेंगी बुआ जी को कोई नहीं कर रहा है आज तक इफैक्ट है. कोई नहीं आने वाला आपके पास और बोलने वाला आप बहुत अच्छी मम्मी हो आपने बहुत साल मेरा सेवा करी है बहुत सेक्रीफाइस किया मेरे लिए अब आप अपने लिए एक दो साल कर लो कोई नहीं आएगा मैम कोई नहीं आएगा कोई नहीं आके बोलेगा पापा आप बहुत काम करते हो सारा दिन लगे रहते हो हमारे फैमिली को अच्छा प्रोवाइड करने के लिए पैसे कमाने के लिए फैमिली को सेफ रखने के लिए सिक्योर करने के लिए अब आप एक दो साल अपनी चीज़ें क्यों नहीं करते आपका मन था जाके वर्ल्ड सीरीज़ देखने का क्रिकेट का जाओ देखो कोई बात नहीं आपको करना चाहिए अपनी लाइफ जियो कोई नहीं बोलेगा जो मिटी है ना सब बच्चों के लिए है क्यों बच्चों के लिए? बच्चे है मेरे भी हैंडरस्टैंड द इमोशन दिन बट मैं कुछ नहीं हूं अब तो बच्चे बच्चे तो अठारह साल, साल के हैं मेरे उन्नीस साल के हैं आईव टून बॉयस वो तो जवान है आई एम आई एम गेटिंग ओल्डर आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ ना हर चीज बच्चे ही करेंगे बच्चों के लिए करते जा रहे हो बच्चों ने कहा भी नहीं है इतना सेक्रीफाइस करो बाद बच्चे बाद में बोलेंगे हमने कब मना किया था कर लेते जो करना था है तुझे पता नहीं मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है तो मैंने तो नहीं कहा तो क्या कर रहे हो यार क्या कर रहे हो कैसे मोटिवेट करूंगा आपको अगर आप अपने आप को फर्स्ट ही नहीं रखना चाहते अगर अपने आप हर चीज में आप औरों के लिए अपने आप को ही सेक्रीफाइस करते रहोगे तो सैक्रीफाइस बकरी बन के रह जाओगे एंड दैट इज नॉट अ लाइफ सो यू हैव टू पुट यूर सेल्फ फर्स्ट और मैं बताऊं जब आप अपने आप को आगे रखते हो तो आप औरों का भला कर सकते हो मैंने अपने आप को आगे रखा आज मैं चीफ गेस्ट बना आज मैं इतने लोगों को बता रहा हूं कि ऐसे लाइफ जियो अगर मैं अपने आप सेक्रीफाइस करते रहता बनता ही ना तो इतना मैं कर ही नहीं पाता सो वेन यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ वेन यू इंप्रूव वेन यू आर हैप्पी वेन यू डू बेटर तो आप फैमिली का भी बेटर ध्यान रखोगे बट यू डोंट बी अफ्रेड टू पुट योर सेल्फ फर्स्ट थिंक अबाउट दिस मैंने कहा ना चेंज लाना लाइफ में ऐसे चेंजेस लाने की यू ऑल्सो मैटर राइट नेक्स्ट मास्टर सिंपल इंग्लिश यू नो आई एम श्योर हेयर देर इज नो प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ यू कैन स्पीक गुड इंग्लिश मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्पीक गुड इंग्लिश एंड ये हिंदी वर्सेज इंग्लिश वाली बात नहीं है ये भाषा का पॉलिटिक्स नहीं होगा यहाँ पर मैं खुद हिंदी में बात कर रहा हूँ इंग्लिश में कर रहा हूँ आई इंग्लिश में लिखता हूँ आई एम वेरी कंफर्टेबल विद बोथ द लैंग्वेजेज एंड आई लव बोथ द लैंग्वेजेज बड़ा सिंपल है हिंदी तुम्हारी माँ है और इंग्लिश तुम्हारी बीवी है दोनों से प्यार किया जा सकता है ना बस ये नहीं पूछना किससे ज़्यादा करते हो फिर मरोगे आज इंग्लिश इज नॉट अबाउट लैंग्वेज नो बडी लव इंग्लिश की ओ अ लैंग्वेज वॉड अ वर्ड कैट बिल्ली हो कैट हो क्या फर पड़ता है दैट इज नॉट द पॉइंट इट इज द लैंग्वेज टू गेट द जॉब इट इज द लैंग्वेज टू गेट द प्रमोशन इट इज द लैंग्वेज टू गेट शॉर्ट लिस्टेड इन एन इंटरव्यू इट इज द लैंग्वेज टू गेट अड टू कम्युनिकेट इट इज द लैंग्वेज इन विच पीपल टेक यू सीरियसली मैंने नहीं बनाया ना रूल मुझे तो हिंदी में बोलना अच्छा लगता है पर मेरे को पता अगर मैं इंग्लिश का राइटर ना बनता और ऐसे एन डी टी वी ना आता और टाइम मैगजीन के हंड्रेड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल में ना होता तो वो बात नहीं बनती ना अगर मनोहर कहानियाँ मुझे सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल बना देता तो फिर क्यों हंस रहे मतलब इट इज जस्ट द रूल ऑफ लाइफ क्या करूँ सो मास्टर सिंपल इंग्लिश डोंट अवे गेट अवे फ्रॉम इट नेक्स्ट नो चीप डोपामीन ये मैं समझाता हूँ थोड़ा ओनली रूल जिसमें थोड़ा टेक्निकल वर्ड है डोपामीन के बारे में आपने सुना होगा आजकल काफी लोग बात करते हैं चर्चा करते हैं लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है क्या चीज़ है लोगों को लगता है इज समथिंग टू डू विद प्लेजर येस इट इज समथिंग टू डू विद प्लेजर दैट पार्ट इज करेक्ट इट इज अ ब्रेन केमिकल दैट इज ऑल्सो करेक्ट बट द ब्रेन केमिकल आपको प्लेजर नहीं देता ये ध्यान से समझने की कोशिश करो ये ब्रेन केमिकल है जो कहता है और ला मोर इंग्लिश में जैसे बोले तो मोर एक बुक है द मॉलिक्यूल ऑफ मोर विच इज अबाउट डोपम इन वेरी गुड बुक सो ये वो अगर मैं आप बैठे हो मैं आपके सामने एक चिप्स का प्लेट रख देता हूँ ठीक है लेस चिप्स का प्लेट रखता हूँ आप एक खाओगे और लोगों से दोस्तों से बातें कर रहे हो अपने आप आपका हाथ दूसरा उठाने पहुंच जाता है तीसरा चौथा पांचवा, पूरा पैकेट ख़त्म आप कॉन्शियसली नहीं कह रहे होते अपने ब्रेन को राइट हैंड उधर जा राइट right हैंड चिप्स उठा राइट हैंड मुंह में डाल ऐसे नहीं करते अपने आप हाथ जा रहे हैं ना क्या ऑटोमेटिक प्रोसेस है पता क्या हो रहा है आपके ब्रेन में एक एक चिप आप खा रहे हो थोड़ा सा डोपोमीन आ रहा है डोपोमीन कह रहा है और ला और ला और ला और वो और और आता रहता है और कभी ख़त्म नहीं होता ट इज वॉट डोपामिन ड अब ये डोपमिन आ कहाँ सर रहा है ये है क्या चीज ये समझना बहुत जरूरी है हमारे ब्रेन में क्या है मान के चलो हमारे ब्रेन में एक नलका है या नलका नहीं तो एक नींबू है जिसमें डोपामिन भरा हुआ है ठीक है ये आपके रिवॉर्ड सिस्टम एफर्ट और रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा हुआ है जब आप मेहनत करते हो सपोजिंग आप जिम जाते हो मुश्किल लगता है लेकिन जिम जाने के बाद लोगों को जनरली अच्छा लगता है राइट एक गुड फीलिंग आती है अगर आप अच्छा काम करते हो पूरा दिन बढ़िया काम करके आते हो बहुत थक जाते हो लेकिन एक सेटिस्फाइंग एक अच्छी फीलिंग भी आती है वो आप जब एफर्ट करते हो तो आपका ब्रेन जो है डोपामीन जनरेट करता है वो लेमन जूस बनता है फिर वो नया नींबू बनता है वहां पे विजुअलाइजेशन के लिए कह रहे हो ऐसे कोई नींबू नहीं है एक्चुअली वो बनता है और वो आपको रिलीफ देता है काम करने के पेन से चाहे वो फिजिकल एफर्ट हो जिम वाला चाहे वो मेंटल एफर्ट हो पढ़ाई कर रहे हो आपने पंद्रह न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए फिज़िक्स के इतना फोकस लगा डिस्ट्रैक्शन से दूर जाना है दिमाग लगाना है थक जाते हो बट यू फील वेरी गुड वाई यार पंद्रह मैंने कर दिए सॉल्व कर दिए आंसर मैच हो रहा है वेरी गुड इट्स अ गुड फीलिंग दैट्स बिकॉज योर ब्रेन रिवॉर्ड्स यू कि ये आपने किया ये सिस्टम बना हुआ है हज़ारों साल से ऐसे चल रहा था इसको शॉर्ट सर्किट किया जा सकता है चीप डोपामाइन वाले मेथड से तो पढ़ाई करके एक सेटिस्फैक्शन काम करके सेटिस्फेक्शन जिम जाने के बाद एक सेटिस्फैक्शन है एक मजा आता है वो मजा नहीं आता जो गुलाब जामुन खा के आता है पर एक ज्यादा सेटिस्फाइंग मजा आता है गुलाब जामुन का, का मजा आपको पांच दस मिनट आएगा एक दो घंटे बाद थोड़ा या कल तक कल तो नहीं आपको लगेगा ओ वाह यार नहीं फिर एक और ले आओ फिर देखेंगे एंड वही फंसता है आदमी क्योंकि एक पे नहीं रुकता ना प्रॉब्लम ये है चीप डोपामीन क्या है बिना मेहनत के प्लेट में डोपामीन आ गया बोतल में डोपामीन आ गया एल्कोहल आप पीते हो तो नलका एक ही है ब्रेन में चाहे आप नशा जो मर्जी हो नशा चाहे चाशनी का हो चाहे शराब का हो चाहे सिगरेट का, का हो और चाहे ड्रग्स का हो और चाहे इंस्टाग्राम का हो ब्रेन में सेम प्रोसेस हो रहा है कि वो नींबू को थोड़ा निचोड़ देता है देखा निचोड़ा और देख और निचोड़ और देख और निचोड़ और देख और निचोड़ धीरे धीरे करके पूरा खाली भी हो जाता है और टॉलरेंस भी बन जाती है अगर आप सिगरेट पीने वाले जो कि नहीं पीनी चाहिए सिगरेट पीने वाले से पूछो वो आपको बताएंगे शुरू शुरू में वो सिगरेट पीते थे बड़े मजे आते थे अब वो सिगरेट इसलिए पीते हैं कि अगर वो सिगरेट नहीं पीते दे डोंट फील नॉर्मल आज क्या स्मोकर यार सिगरेट नहीं पीता ना तो सर्दर होता है फील हो सकता सोचो क्या एडिक्शन है जो नॉन स्मोकर है वो वैसे ही नॉर्मल फील कर रहा है लेकिन जो सिगरेट पीने वाला है उसने जब तक सिगरेट नहीं पी उसको नॉर्मली फील होता इसी तरीके से ये चीप डोमिन की आते हैं बच्चों के हाथ से आप फोन छीन लो जो रोज़ इंस्टाग्राम देखता है पकला जाएगा वो दीवार पे सर मारेगा क्यों एडिक्शन हो चुकी है दिस इज हैपनिंग एंड इट इज एन एडिक्शन इट इज वेस्ट ऑफ टाइम एंड इट हैज शॉर्ट सर्किटेड द रिवॉर्ड सिस्टम वह है मेहनत कर डोपोमीन पा मेहनत कर डोपोमीन का खत्म हो चुका है तुमने सीधा ही जाके उसको पकड़ लिया बड़ी बड़ी कंपनियां लगी हुई हैं सस्ता डोपामीन बेचने के लिए चाहे पेप्सी आपको लेस के चिप्स बेच रही है चाहे मेटा प्लेटफॉर्म आपको इंस्टाग्राम दिखा रहा है चाहे शराब की कंपनियाँ हैं चाहे सिगरेट की कंपनियाँ हैं इनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं और ये सारे आपका जीवन आपका ब्रेन का रिवॉर्ड सर्किट बर्बाद करके अपना पैसा कमाने में लगे हुए अब वो आपके ऊपर है क्योंकि इट्स लीगल लीगल है ना इंस्टाग्राम देखना लीगल है फोन मोबाइल फ़ोन देखते रहो पूरा दिन लीगल है कोई वार्निंग भी नहीं आती सिगरेट के डब्बे पे तो वार्निंग आती है वो गंदी गंदी फ़ोटो बनी होती है फ़ोन पे कभी लिखा होता है डब्बे पे ऐसे नलायक बच्चे की फ़ोटो ये लास्ट आया था क्लास में ये फोन देख देख के यही फोन देखा था इसने फेल हो गया था होना चाहिए ना पर नहीं है सो यू हैव टू सेल्फ रेगुलेट एंड से कि चीप डोपोमिन नहीं लेना यार सस्ता माल नहीं चाहिए कमाई हुई चीज चाहिए आप जहां आप इस सस्ते के उसमें फंसे आपका मजा भी आना बंद हो जाता है आप दिवाली में मिठाई खाते हो खूब सारी दो दिन में इतने तंग आ जाते हो उस मिठाई से क्यों मज़ा आना बंद हो जाता है टॉलरेंस यू नो ना मजा आ रहा है नीदर यू आर गेटिंग हाई एंड आपका मोटिवेशन टू वर्क हार्ड गोज अवे क्यों मेहनत करनी जब जिंदगी का गम बोतल से उतारा हटाया जा सकता है नहीं हटता है गम नहीं हटता बल्कि और डबल होके आता है सिर्फ पोस्टपोन होता है राइट सो बी केयरफुल इसके ट्रैप में नहीं फंसना जो फंस गया ब्राइट से ब्राइट बच्चा होगा आगे जाके फुश्किल होगी पोर्नोग्राफी सेम वीडियो गेम सेम बाय द बाई दर ऑल सेम चीप dopamine राइट नेक्स्ट डू हार्ड थिंग्स हम जिंदगी में हमेशा आराम ढूंढते हैं भाई हम खुश रहना चाहते हैं यार लाइफ में हैप्पी रहना है। कई लोग कहते हैं हैप्पी रहना है। तो आराम करो यार ज़्यादा टेंशन नहीं ले ज्यादा काम नहीं करना मुश्किल वाला लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो वो कमाया हुआ डोपामिन नहीं आएगा और मेहनत नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा कब मजा आता अगर इंडिया वर्ल्ड कप मेहनत करके जीतता है जो अनफॉर्चुनेटली इस बार फाइनल में पता नहीं क्या हो गया वो तो एक अलग ही कहानी है पर सोचो कि हम मैच ना खेलते और जाके कोई अलमारी खोल के चुरा के ले आता वर्ल्ड कप ये आ गया जी हमारे पास वर्ल्ड कप उसका कोई मीनिंग नहीं है ना इसी तरीके से जब तक आप मेहनत नहीं करते हार्ड चीजें नहीं करोगे आपकी अचीवमेंट का कोई मतलब नहीं है पच्चीस साल नौकरी करने के बाद जो अवार्ड मिलता है वो इट्स नॉट अबाउट द अवार्ड इट्स नॉट द ट्रॉफी ट्रॉफी तो बाजार में मिल जाती है इट इज़ वॉट इट मीन्स एंड वॉट इट मीन्स इज दिस ट्वेंटी फाइव ईयर्स ऑफ एफर्ट बिहाइंड इट विदाउट द एफर्ट इट्स यूजलेस एंड या इट इज़ हार्ड टू मेनटेन अ डाइट इट इज़ हार्ड टू गो टू द जिम इट्स मच इजियर टू ईट गुलाब जामुन और जलेबी और वट एवर आई एम नॉट पार्शियल टू वन मिठाई हाँ वैसे सारी अच्छी होती हैं बट देर ऑल लाइक दैट

एक कोट है बड़ा अच्छा लाइफ इज़ अल जिंदगी चढ़ाई है दोस्तों जिंदगी की चढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती सोचो एक ज़िंदगी एक बहुत ही बहुत ही खूबसूरत सा पहाड़ है ग्रीन पहाड़ फूल लगे हुए हैं बहुत अच्छी चीज़ है ज़िंदगी लेकिन पहाड़ है पहाड़ में क्या होता है ऊपर चढ़ना पड़ता है वो मेहनत लगती है वो लगती है मैं भी जब छोटा था यही सोचता था कि यार ये मेहनत तो गरीब लोग करते हैं मैं हम मिडिल क्लास से हैं मेरा हर मिडिल क्लास का यही एम होता है एक दिन खूब सारे पैसे बना लेंगे फिर काम करना बंद कर देंगे क्योंकि जिंदगी का एम है काम ना करना पड़े रॉन्ग थिंकिंग पर मैं यही सोचता था कि जो अमीर लोग होते हैं वो का मतलब एक दिन ढेर सारे पैसे बना लूँगा फिर रेशम की चादरों पे लौटूंगा और अंगूर खाऊंगा ये मेरी लाइफ होनी चाहिए बट रेशम इतना कंफर्टेबल भी नहीं होता और अंगूर कितने खा लोगे? एक पाओ दो पाओ एक किलो बीमार हो जाओगे क्यों करते हैं इंडिया के बिगेस्ट बिलियनियर सुपर स्टार्स क्यों काम कर रहे हैं अभी भी क्या जरूरत पड़ी है उन्हें क्या गोभी खरीदने के लिए पैसे चाहिए बिकॉज इफ दे डोंट डू इट देट फील गुड इट्स अ टेरेबल लाइफ सो फाइंड सम हार्ड थिंग्स राइट टू डू नेक्स्ट एलिफेंट ऑल यू स्टूडेंट हेर हाथी कैसे खाओगे अगर मैं आप कि हाथी खाना है कैसे खाओगे हाथी साढ़े तीन हजार किलो का हाथी होता है एवरेज कैसे खाओगे हाथी आंसर है छोटे छोटे पीसेस करके हजारों टुकड़े अगर हाथी के कर दिए जाए तो धीरे धीरे आप रोज हाथी खाओ खाए हाथी खाओ हाथी खाओ तो तीन चार साल में एक हाथी भी पूरा खाया जा सकता बोरिंग होगा हाँ बहुत बोरिंग होगा टेस्टी होगा नहीं टेस्टी नहीं होगा पर खा लोगे हाँ खा लोगे ज़िंदगी में आप देखो किसी की भी कोई भी बड़ी अचीवमेंट हो उसके पीछे एक हाथी होता है जो किसी ने खाया होता है हाथी खाने के आधा डाल लो जिंदगी में तीन चार हाथी होते हैं ज़्यादा नहीं खाने होते हैं। एक दो खा लो लाइफ सेट हो जाती है तीन चार खा लो तो बहुत ही बढ़िया हो जाती है और सात आठ खा लो तो आप सुपरस्टार बन जाते हो बट हाथी खाना कौन सी मेरी चीजें इंट्रोडक्शन में बोली जाती है आईआईटी आई टी जैसे वो मेरा जिंदगी का पहला हाथी था आईआईटी की पढ़ाई इज नॉट अ जोक एज मैनी ऑफ यू माइट बी डूइंग यू नो इट बट वो एक हाथी की तरह तीन पीसेज मैंने हाथी के काटे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वन थर्ड हाथी हो गया हर एक के तीस तीस चैप्टर थे तो थर्टी 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 पीसेस नाइन्टी पीसेस हो गए हर चैप्टर के चार चार टॉपिक थे 90 टाइम्स फोर 360 पीसेस हो गए हाथी के हर हफ्ते एक पीस खाना है दो पीस खाने ऐसे करके मैंने आई की तैयारी करी तो वो हाथी नहीं लगा फिर मुझे इस हफ़्ते का ये पीस है अगले हफ्ते का ये पीस है फिर अगले हफ्ते का ये पीस है फिर बुक लिखने का हाथी फिर मूवी का हाथी आजकल फिटनेस का हाथी मोटिवेशन टॉक्स का हाथी हाथी खा रहे हैं और कुछ नहीं मैं स्पेशल कर रहा हाथी खाने की आदत पड़ी हुई है और आपको भी हाथी खाना है जिंदगी में हाथी नहीं है तो ढूंढो क्योंकि पिछला वाला था चेज हार्ड थिंग्स यू मस्ट फाइंड द हाथी नेक्स्ट बी द कॉकरोच जितनी भी मेहनत कर लो जितने भी डिसिप्लिन हो जाओ जितने भी चीप डोकोम से दूर रहो फैक्ट इज कि यार हम इन दुनिया में रहते हैं और दुनिया बदल रही है और दुनिया बदलती रही है और आजकल थोड़ी फास्ट बदल रही है लेकिन बदलती तो हमेशा ही रही है सौ साल पहले दुनिया बहुत अलग थी दो सौ साल पहले और भी अलग थी एंड अलग होती जाएगी सो यू हैव टू लर्न टू यू हैव टू लर्न जरूरी नहीं है कि आज आपने जो करियर सोचा था पाँच साल बाद आपका वही करियर हो आई हैव हैव टू लर्न टू अडेप्ट मेरी जब बुक्स आई थी तब स्मार्टफोन्स होते ही नहीं थे अब स्मार्टफोन्स हैं अब वीडियोज हैं आई हैव टू बी ऑन वीडियो इफ आई वॉन्ट टू स्टे कनेक्टेड टू द यूथ इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल है एट एज फोर्टी सेवन में यूट्यूबर बना आई हैव मोर देन थाउजेंड वीडियोज नाउ एंडट्स बिकॉज आई हैव टू लर्न यूट्यूब बिल्कुल अलग चीज है लाइट कैमरा साउंड ये वो अपलोड इसका राइटिंग से क्या लेना देना है बट टाइम्स चेंज आई हैक्रोचेज की काक्रोच दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट अडेप्टिव क्रीचर है कहीं भी रह लेता है सर्दियों में गर्मियों में बर्फों में बारिश के मौसम में कहीं पर भी पहले जंगल में रहते थे अब इंदौर में रहना है ठीक है कॉकरोचेस का यह एटीट्यूड होता है पहले कीड़े मकोड़े खाते थे अब कैलॉगस खाने ओके यू नो पहले पेड़ के नीचे रहते थे अब किचन में रहना ओके okay. बाथरूम चले हाँ चलो बाथरूम चलो कार में रह लें कार में रह लेंगे ऐसा है उनका एटीट्यूड कोई फर्क नहीं पड़ता उनपे स्प्रे भी मारो स्प्रे की आदत पड़ जाती है टाइगर हम सारे मार सकते हैं कॉकरोच नहीं मार सकते बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां लगी हुई हैं बेगॉन वगैरह मारने में कॉकरोच मार पाए आज तक नहीं मार सकते बिकॉज कॉकरोच कहता है एडजस्ट कर लो सर ये स्प्रे भी बढ़िया है सिंगल मॉल्ट है उनको नहीं फर्क पड़ता और आ जाते हैं सो यू हैव टू हैव दिस एटीट्यूड इन लाइफ कोई बात नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है समझ लेंगे समझ लेंगे सर कोई बात नहीं हमें क्या पता है जिस जनरेशन का मैं हूं उस टाइम तो इंटरनेट भी नहीं होता था अब मैं भी इमोजीज यूज करता हूं पता ही नहीं था इमोजी क्या होता है अब बोले कि लेखक अगर मैं मन में मान लू भाई मैं तो लेखक हूं मैं तो देश का विख्यात लेखक हूं मैं कैसे इमोजी यूज कर सकता हूं कॉकरोच ऐसे नहीं सोचता अरे सर आजकल इमोजी चल रहा है इमोजी चला दो ठीक ओके सो यू हैव टू बी दिस इन लाइफ नेक्स्ट कनेक्ट विद पीपल देखो बड़े ब्राइट हो तुम क्लास में फर्स्ट आते हो फर्स्ट आ गए आई में तुमने सब कर दिया बड़े अच्छा कोडिंग कर लेते हो बड़े अच्छे इंजीनियर हो डॉक्टर हो दुनिया लोगों से चलती है धंधा लोगों से चलता है बिजनेस लोगों से चलता है सब लोगों का खेल है डील लोगों से होती है जितने भी तुम ग्रेड हो पढ़ाई में लिखाई में किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हें लोगों से बात करना नहीं आता अगर तुम उनके साथ रिश्ता बनाना नहीं आता नेटवर्किंग करनी नहीं आती ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है इसीलिए आई फील थिंग्स लाइक एनुअल डेज एंड ऑल आर ग्रेट लाइक लगता है क्यों कर रहे हैं सब बैठ के पढ़ाई करो पर स्कूल और कोचिंग क्लास में फिर क्या फ़र्क रह जाएगा फ़र्क यही है कि यहाँ जो लोग इस ऑर्केस्ट्रा में हैं इन्होंने आपस में बात करना सीखा है कैसे साथ में काम करना है कैसे साथ में बजाना है कैसे कोने नहीं मारनी तबले वाले को साथ वाले को तू उधर बैठ तू लेफ्ट पे बैठ तू राइट पे बैठ तू बड़ा तंग करता है यार ये सब बड़ी वैल्यू है इसकी सी साहब है कि नहीं आप सी हैं लेकिन लोग तो लोगों पर आपका रिश्ता रिश्तों पर आपका बिजनेस चल रहा है कोई भी यहाँ बिजनेस वाला बैठा हो सबका बिजनेस लोगों से चलता है मेरा भी लोगों से चलता है बहेदी सर और मेरे एक अगर हमारे बीच में इक्वेशन नहीं होगी मैं नहीं आऊँगा वो नहीं बुलाएंगे सीधी सी बात है इट इज़ नॉट अबाउट कि मैंने अपना काम किया वो काफ़ी नहीं है ना लोगों के साथ कैसे बन गई फिल्म है सिर्फ कहानी कहानी तो बहुत राइटर लिखते हैं मेरी की क्यों बनी बात करने का तरीका उसको समझना उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको क्या टेंशन हो रही है कैसे मैं कर सकता हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो कनेक्ट विद पीपल नेक्स्ट इट्स योर फॉल्ट ये एक जिंदगी का एटीट्यूड बना लो कि मेरी गलती है कुछ भी आपकी लाइफ में झंड चल रहा है हर हर एक की लाइफ में दो तीन चीजें गड़बड़ें चल रही होती हैं जिंदगी है ही ऐसी पर बहुत लोग ये बोलते हैं यार पता है अगर मेरी बीवी ज़्यादा सपोर्टिव होती ना मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता अगर मेरा हस्बैंड थोड़ा अच्छा होता ना मैं लाइफ में कितनी और खुश होती अगर मेरी सास बेटर होती अगर मेरी टीचर मुझे ठीक से बताती तो मैं सीख जाता अगर मेरे मम्मी पापा मुझे इतना पुश ना करते ना मैं खुद से अच्छा कर लेता फिर उल्टा भी कहते हैं मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे पुश ही नहीं करा अब हमें आता ही नहीं काम करना सब मम्मी की गलती है सब पापा की गलती है सब मेरे बॉस की गलती है सब मेरी बीवी की गलती है इसकी गलती है ये हो गया ये एक टेम्पलेट है जो बड़ा टेम्पटिंग है हमारे ब्रेन के लिए यूज़ करना वो टेम्पलेट ये है इफ़ अदर्स बिहेव बेटर माई लाइफ वुड बी बेटर इफ़ अदर्स बिहेव बेटर माई लाइफ वुड भी बेटर इसमें हम अपना लाइफ की प्रॉब्लम फिट करने की कोशिश करते हैं मैं अन फिट हूँ मैं मोटा क्यों क्योंकि मैं बचपन में पंजाबी घर में बड़ा हुआ हूँ वहाँ सारा टाइम मक्खन पराठे बनते थे अब मेरे को उसी की आदत पड़ी हुई है सब वो मामा जी की गलती है पराठे खिलाते थे मैं क्या करूँ कैसे करूं अब ये टेम्पलेट में प्रॉब्लम ये है कि हो सकता सच भी हो हो सकता है आपके हस्बैंड यूज़लेस हो, हो सकता है आपकी वाइफ जो पिछला वाला रिश्ता था बेटर था टू लेट नाउ, अब क्या करें लेकिन जब आप कहते हो कि मेरी गलती है मेरी गलती है कि मैं मेरे को मेरा हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता लेकिन मेरी गलती है कि मैं वो चीज़ मुझे अफेक्ट होने देती हूँ मेरी गलती है कि मेरी वाइफ सपोर्टिव नहीं है लेकिन मेरे को उसके सपोर्ट की इतनी जरूरत है आपने चेंज कर दिया आर्ग्यूमेंट अब आपके ऊपर आ गया और जब आपके ऊपर आ जाता है देन यू कैन डू समथिंग अबाउट इट मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत पुश किया है मेरे को ये करना ही नहीं है मेरे को कुछ और करना था वेल देन यू डू इट

पता तो लगे प्रॉब्लम क्या है जब आप अपने ऊपर प्रॉब्लम डालते हो कहते ओके okay, मेरी गलती है कि ये है अब मुझे क्या करना है क्या क्या, क्या कदम उठाने हैं इस गलती से ठीक करें गलतियाँ ठीक भी तो हो जाती हैं लाइफ ठीक हो जाती है लेकिन तभी ठीक होती है वैन यू फर्स्ट डायग्नोज द प्रॉब्लम कि मेरी गलती है सो इट्स योर फॉल्ट मतलब इट्स माई अपने ऊपर लो जो भी हो रहा है तुम्हारी गलती से हो रहा है भैया मैंने कहा ना ना कोई तुम्हें बचाने आ रहा है ना कोई तुम्हें अवार्ड देने आ रहा है और ना कोई तुम्हें कहने हो रहा है कि मेरी वजह से हुआ है नहीं जो ठीक करना है तुम्हें ही करना है अपनी लाइफ में नहीं तो ऐसे ही चलेगी या ऐसे भी वर्ड्स हो जाएगी और तुम तो मर जाओगे ये रियलिटी है और यू से इट्स माय फॉल्ट आई हैव टू लिव डिफरेंटली हो गया बस यू नो नेक्स्ट द लास्ट वन अर्न सेव इन्वेस्ट बहुत से मेरे फ्रेंड्स मैंने देखे हैं

And they didn't save, abap save ni kya save kiya to invest ni So their wealth did not grow. And I know this is not connected to your other laws in that way. This is a separate law, and for students, especially first you have to earn. And to earn, you have to build a career, which is fine. So do the first step first. But once you start earning, remember, earning is not just to buy iPhone 15, to show off on Instagram, to show off holidays. ये सब जरूरी नहीं है वॉट इज नेरी फ्रीडम एट एज थर्टी फाइव आई कुड गो टू माई बॉस इन द बैंक एंड से ले भैया तेरी नौकरी बहुत लोगों को चाहिए मुझे नहीं चाहिए यू नो वाई या एक था जुनून टू बिकम अ राइटर बट द मोर इंपॉर्टेंट द बैक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वॉज आई हैड अर्नड आई हैड सेव्ड लॉट हैड इन्वेस्टेड एंड मुझे पता था मेरा गुजारा चल जाएगा दैट इज द फ्रीडम यू गेट दैट फ्रीडम इज द बेस्ट थिंग अबाउट हैविंग मनी इन लाइफ बाकी तो क्या है पंद्रह नंबर फोन हो या ग्यारह नंबर फोन हो ठीक है इट्स ओके व्हाट्सएप तो सब पे चलता है राइट बट दिस फ्रीडम विल ओनली कम इफ यू सेव एंड इन्वेस्ट एंड ग्रो योर वेल्थ प्रॉपरली यू हैव टू लर्न इट इट डजन हैपन लाइक दैट एंड सो देर आर पीपल हु डू अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक स्टार्स हू बिकम बैंक करप्ट You heard, no? the People, movie stars, because they did everything, but then they didn't earn, save, invest. So you have to do that as well. Next. This is now the 11 rules. You can take a picture if you want. If you like them, or if there is a favorite rule, uh, just put a story on Instagram. Tag me at Chetan Bhagat, one word. And tell me your favorite rule. Which one and why?

यू आर सींग द फिजिकल डिफरेंस इन दैट बट मेंटल डिफरेंस तो आई कॉन्ट शो यू इन द पिक्चर आई एम ए टोटली डिफरेंट पर्सन बिकॉज आई हैव डिस माई लाइफ डिफरेंटली एंड आई हैूव एट एवरी स्टेज आईफोन हर साल इम्प्रूव होता है वन टू थ्री पंद्रह तक पहुँच गया है हमारा भी हर बर्थडे पर हमें बेटर वर्जन चाहिए न कि भाई पिछले साल से आज मैं कैसे बेटर हूँ एंड दैट्स वॉट माई फोकस इज ऑन नाउ नेक्स्ट इट्स अगेन

और सुबह वहाँ पर रेस हो रही थी मेलबर्न मैराथन तो मैंने कहा टेन किलोमीटर की रेस आई डू टेन किलोमीटर्स बिकॉज दैट्स माई वेर आई लाइक टू रन एट अ गुड स्पीड तो मैंने कहा शाम को टॉक दे रहा हूँ जरूर उन्हें बता दूँ मैंने आई डोंट जस्ट टॉक आई सो फोर्टी सेवन मिनट्स ट्वेंटी सेकेंड्स आई डिड टेन किलोमीटर्स एंड आई कुड नेवर डू दिस ऑल माई लाइफ आई वॉज अ फैट किड फैट ग्रोन फैट मैन

And that to me is the biggest growth. Career growth, great, money growth, great. But overall life growth is amazing. or And I want you to do it, and maybe that's why you were chosen to come here at this place, inspired by a holy person, so that you can change your life from tomorrow. Thank you so much. Thank you sir for your inspiring and insightful words.